16 मार्च 2022 दिन बुधवार को शहीद आजम भगत सिंह के जद्दी पिंड खटकड़ कलां विखे पंजाब के मुख्यमंत्री का सहुं चुक समागम हुआ। मैं नहीं बल्कि मेरे नाल पंजाब के 3 करोड़ लोग वो भी मुख्यमंत्री की सहुं चुक। पंजाब में आम आदमी पार्टी की 16 मार्च को सरकार बनन जा रही है, जिस विच पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान हलफ लेंगे। भगवंत मान ने बीते दिन अपनी एक वीडियो जारी करके पंजाब के सारे लोगों को खटकड़ कलां विखे पहुंचने की 16 मार्च में अपील की है। उन्होंने कहा है कि उस दिन सारे अपने सिरों के उपर बसंती रंग दग्गा सजा के आन, जबकि औरतों को उन्होंने कहा कि बसंती रंग दुनिया लैके उ पहुंचा जाए। उन्होंने कहा कि खटकड़ कलां 16 मार्च में बसंती रंग दे विच रंगया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि उस दिन मैं कल्ले ने सौं नहीं चुकनी है, सगो पंजाब दे 3 करोड़ लोगों ने उन्होंने नाल सौं चुकनी है, ते ओही पंजाब दे मुख्यमंत्री होंगे। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। 16 मार्च 2022 दिन बुधवार को शहीद आजम भगत सिंह के जद्दी पिंड खटकड़ कलां विखे पंजाब के मुख्यमंत्री का सहुं चुक समागम होगा। सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे नाल पंजाब के 3 करोड़ लोग वो भी मुख्यमंत्री की सहुं चुकन। असी सब ने मिल के भगत सिंह के सुपनों नूं पूरा करना है। इस 16 तरीक नूं असी उन्हां दी सोच नूं अमली रूप देवांगे। मैं कल्ला मुख्यमंत्री नहीं बनया, तुसीं सारे पंजाब के लोग मेरे नाल मुख्यमंत्री बने। ये सरकार तुहाडी सब दी सरकार होगी, तुहाडी अपनी सरकार होगी। इस करके मैं बेनती करदा कि अपने इस बेटे अपने भरा का हौसला बधाउण लई 16 तरीक नूं बुधवार नूं सवेरे 10 बजे खटकड़ कलां जरूर आना। तो हाँ, उस दिन मेरे वीर दोस्त वो सिर पर बसंती रंग की पग बनना, तो भैं सिर पर बसंती रंग का दुपट्टा चुन्नी लैके आना ना भूलना। खटकड़ कलां उस दिन आप बसंती रंग के रंग। उधर भगवंत मान के सहुं चुक समागम को लैके तैयारियां भी जोरों पर हैं। प्रशासनिक अधिकारियों वालों लगातार खटकड़ कलां पहुँच के दौरे किए जा रहे हैं। इसके चलदे चीफ सैकटरी पंजाब सरकार वीनू प्रसाद ने भी खटकड़ कलां का विशेष दौरा किया है। 16 मार्च में होने वाले सहुं चुक समागम की तैयारियों का जायजा भी लिया है। तुहानू दस दिए कि नवांशहर के खटकड़ कलां दे विच होने वाले इस सहुं चुक समागम से पंजाब सरकार वालों 2 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस सारे मामले संबंधी पंजाब के नवे मुख्य सकत्र वीनू प्रसाद ने जानकारी दी है। ये तैयारी अब बेसिकली स्वेरिंग इन सेरेमनी 16th को हो रहे हैं, उसके लिए अरेंजमेंट्स देखने लिए आए हैं। लगभग बहुत ही बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट होने की संभावना है। असी तैयारियां कर रहे हैं, रफली अबाउट 4-5 लाख लोग भी आ जाए, पंडाल भी सफिशेंट हो गए, डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे, पार्किंग लॉट्स भी बनाया उनके लिए, काफ़ी अरेंजमेंट्स असी कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सीनियर ऑफिसर्स का भी ड्यूटीज लगाया, हर डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स आज मीटिंग अटेंड किया है। लाइक फायर सर्विसेज हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, काफ़ी अरेंजमेंट्स असी कर रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं लोग, चाहे कौन कौन से, दिल्ली से भी आ रहे हैं या बाहर से? दिल्ली से भी आएंगे, बाहर से भी आएंगे, बट वो लिस्ट है अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, मे बी 1-2 दिन के बाद आएंगे फाइनलाइज। पंजाब सरकार से कितना पैसा यहाँ के लिए अलॉट किया गया है, राशि की गई? अभी तक तो वेरी नॉमिनल अमाउंट ऐसी अलॉट किया है, क्योंकि उसमें मेनली स्टेज का है और कुछ पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट सिस्टम है, क्योंकि तीसरा है कि एक पार्किंग लॉट्स यहाँ कम है, उसके लिए जो फार्मर्स का जो कंपनसेशन है वो भी ऐसी दे रहे हैं, और इसके अलावा कोई वड्डी खर्चा नहीं है इसके। कितना खर्चा आने की संभावना है वैसे? मेरे ख्याल से हर एक आइटम पे फ्यू लैक्स होगा, कुछ लाखों के बीच ही है। कल चंडीगढ़ से भी आया कि 2 करोड़ रुपया नवाशा की डिसीज को रिलीज कर दिया गया है, वो बजट एलोकेट किया होगा, बट वो एक्चुअल अमाउंट जितना यूटिलाइज होते हैं वो यूटिलाइजेशन मुताबिक पेमेंट होगा। थैंक यू। न्यूज डेस्क तो डॉक्टर जिंदर सिंह के नाल नवांशहर तो सुखजिंदर सिंह सुखा की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।